इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर टू रूट्स लगे हुए हैं, मतलब एक यहाँ पर रूट लगा हुआ है और एक यहाँ भी लगा हुआ है। जो अंदर वाला रूट है यहाँ पर सिक्स के ऊपर जो लगा हुआ है, यहीं पर सारा खेल चालू होता है। देखिए ध्यान से, ये जो सिक्स है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं थ्री इंटू टू में, और यहाँ फिफ्टीन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं फाइव इंटू थ्री में। यहाँ पर जो ये दो नंबर्स मिले हैं, इसी के हेल्प से आप इस फाइव को ब्रेक करेंगे थ्री प्लस टू में, और यहाँ पर जो एट है उसको ब्रेक करेंगे फाइव प्लस थ्री में। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा ऐसा रूट, अंडर रूट थ्री प्लस टू प्लस टू रूट सिक्स। केवल हमने फाइव को थ्री प्लस टू लिखा है, और ये थ्री टू कहाँ से आया? सिक्स को फैक्टराइज करने के बाद। यहाँ पर एट को लिखा है फाइव प्लस थ्री, फाइव और थ्री कहाँ से आया? रूट फिफ्टीन को, मतलब फिफ्टीन को फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर्स मिले उसी में ब्रेक किया हमने। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर थ्री है उसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर, और रूट टू को लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर, और यहाँ भी रूट फाइव का होल स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो रूट सिक्स है इसको भी ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? टू इंटू, यहाँ लिख देंगे रूट थ्री इंटू रूट टू, ताकि यह जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में दिखाई दे। प्लस यहां भी वही काम करेंगे जो यहां किए थे, तो यहां पर भी रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री लिख देंगे। अब यहां फाइनली जो करना हमें है, एक फार्मूला का यूज करना है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यदि यहां पर यूज करेंगे वो फार्मूला जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार आपके लिए, हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, और ए माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो हमारा होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पर इसको छोटा कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहां मिल जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, रूट अंडर रूट के अंदर यदि समथिंग स्क्वायर हो तो वो जो नंबर है वो बाहर निकल सकती है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस यहां से यदि बाहर आएगा ये मिलेगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां रूट थ्री और रूट थ्री अपोजिट साइंस लिए हुए हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचे हुए हैं वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब रूट टू प्लस रूट फाइव। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इतना बड़ा दिखने वाला और बहुत भयंकर दिखने वाला इतना छोटा सिंपल बन गया, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। यदि आप इस वीडियो को यहां तक देखे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसे शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक कर सकते हैं ताकि और भी वीडियोज आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।